तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली दो सेगमेंट्स में हमने राग बिलावल की चर्चा परिचर्चा की, और आज हमारा सौभाग्य कि तीसरी एपिसोड में राजू जी हमारे साथ हैं। तो राजू जी यहाँ पे फ्लूट पे हमारे समक्ष कुछ ना कुछ स्वर संगतियां, कुछ फ्लूट राग बिलावल संबंधी हमें सुनाई। और कुलदीप, एक चीज साथ में ये भी ऐड करूं कि आज हमारे साथ पहली बार इस एपिसोड में सुमंत सर, जो कि म्यूजिक के बहुत अच्छे जानकार हैं और पुराने टीचर हैं, वो भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है हमारे इस। अभी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं ये बाद में जोड़ना चाहता था। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? मैं अशोक गुप्ता। तो हमारे बीच में अशोक गुप्ता जी भी हैं, जो कि अजमेर राजस्थान से हैं। तो आप सभी विद्वत जनों का बहुत दिल से स्वागत। गुप्ता जी नमस्कार। हाँ, अच्छा, अभी सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि अभी कुलदीप सर अनाउंस करेंगे राजू जी का नाम, हम सभी सुनेंगे, कुलदीप सर अपना वक्तव्य जो भी है वो देना, हमें कुछ सुनेंगे, और उसके बाद राजू जी के बिलावल से जो कुछ रिजल्ट्स, जो कुछ चीजें राग बिलावल संबंधी, आश्रय राग बिलावल संबंधी हमारे समक्ष आएंगी, तो हम उनसे चर्चा परिचर्चा जारी रखेंगे। तो अब मैं आपके और कलाकार के बीच में से हट जाता हूँ। सर मैं एक सेकंड कि राजू जी शुरू करें। मैं तहे दिल से आभारी हूँ हमारे रिकॉर्डिस्ट, हमारे टेक्नीशियन, बहुत ही उच्च कोटि के ये विद्वान है कंप्यूटर की दुनिया के, संदीप शर्मा जी, जो कि बीकानेर राजस्थान से हैं। तो इनका तहे दिल से मैं आभारी हूँ अपनी ओर से, अपने तमाम तो अब मैं आपके और कलाकार के बीच में से हटता हूँ और माइक या कलाकार जी, राजू जी। सबसे पहले तो सभी का नमस्कार, मैं राजू बात कर रहा हूँ। और हेलो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू रखिए अपने आप। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना ही मैं कोई ट्रेंड म्यूजिशियन हूँ, बस मैं ऐसे सीखा है। और तो और बीच में मेरे फोन खो गया था, और खोने के कारण मैं जो दो एपिसोड्स हैं वो भी मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो मुझे इतना पता है कि राग बिलावल की चर्चा हुआ था, तो आज जितना मुझे पता है वो मैं आपको कहने की कोशिश करूंगा, और हमारा सभी यहाँ पर साथियों टीचरों हैं जो मुझे करेक्ट करेंगे। तो राग बिलावल जो है, एक बिलावल मतलब राग बिलावल एक वास्तव में बिलावल एक थाट है, और कोई भी राग, कोई भी जो राग होता है वो मतलब प्रसिद्ध थाट से आता है, जैसे कि राग बिलावल, ये बिलावल थाट से आया है। तो राग बिलावल में सभी स्वर लगते हैं, सारे गम्मा पद नहीं सब, पर उस स्वर रखने का या फिर उस स्वर सजाने का कुछ अलग सा एक स्टाइल है, वो स्टाइल के मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं अपना तानपुरा करूं। तो राग बिलावल में सारे गम पद नहीं सानी का पम्मा करे से वही होता है, पर इसमें ये होता है उसको सजाने का स्टाइल जो है, सजाने का स्टाइल अलग सा होता है। सारे गम्मा मतलब यहाँ पर मैंने धा में थोड़े बहुत लिख ले लिया, ये मैंने अभी आरो बोला, अब आरो इसे होता है ये बिलावल के आरो आरो है। और इसके ऊपर ये पकड़, इसके पकड़ साइज सा हो सकता है कि जहां पर भी हम लोग का आना है, पर सा में हम लोग को स्टैंड करना है। तो जहां तक मुझे लगता है कि सा एक क्या बोलते हैं उसको, पकड़ हो सकता है साइड। हाँ जी, तो अब मैं इसको आरो आरो में बांसुरी में बजाकर दिखाता हूँ। ये मेरे पास अभी जी साथ
हाँ जी, जी स्केल के बांसुरी है। हाँ आरो, इसका आरो हो गया। आज मैंने बता दिया। हाँ हाँ अब यहाँ रखो मैं। हाँ जी, अब यहाँ से सूरत है हमारा आलप। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि आलप मीन्स इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर राग। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बुक मान लीजिए, एक कोई किताब है, तो किताब में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को कंटेंट्स मिलता है ना, कि मतलब विषय सूची मिलता है। अब कंटेंट्स में कौन कौन से चैप्टर में क्या, राग की भूमिका। हाँ जी जी, वो राग की भूमिका, मतलब राग की भूमिका मतलब एक आलप आता है पहले, है ना। हाँ, बिल्कुल। उस कंटेंट्स में कौन कौन सी चैप्टर में कौन कौन सी आएगा, वो सबसे पहले हम लोग को वो कंटेंट्स मिलता है। तो आलाप हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि उस राग के कंटेंट्स, वो कंटेंट्स में हम लोग क्या क्या प्रेषित करेंगे, वो कंटेंट्स को आलाप कहते हैं। और आलाप में रिदम नहीं होता है, तो हाँ बिल्कुल आलप में रिदम नहीं होता है। तो मैं इस राग के आलप बजाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर 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 सर। इस राग के आलप जैसे कि हम लोग ज्यादातर साथियों ने हमारे भोपाली सुना है। अब भोपाली में क्या होता है कि ये आएंगे तो कोई भी पता लगेगा कि हाँ आप भोपाली राग बजने वाला है ना। तो ऐसे ही बिलावल राग का भी एक निशाना है। जैसे कि बिलावल राग के भी कुछ एक पहचान होता है। अब ये पहचान ये होता है, ये वंस एक बार बजेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पहचान लगे कि हाँ बिलावल बजने वाला है। तो अब मैं आलाप थोड़ा सा शुरू करता हूँ। हाँ जी सुना जरा, आलाप लगातार बजाएं। थोड़ा सा आलप ये इस राग का। हाँ जी हेलो, ठीक है ठीक है, कंटिन्यू रखिए राजू जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू। हाँ जी ये बात है। और इसका बंदिश अभी मुझे थोड़ी बहुत बंदिश मुझे अभी थोड़ी बहुत मैं अभी ये टाइम में बंदिश भुला हूँ, पर हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि राग बिलावल राग बिलावल के बेस में कुछ कुछ गाने वगैरह है जो मैं बताने की कोशिश करूंगा। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो ये आता है, ये एक बिलावल के बहुत बहुत कमाल, आपकी बांसुरी बहुत कमाल है, बहुत कमाल बहुत कमाल। और ये और एक बात है, हाँ जी बताइए।
गुप्ता जी, जिस तरीके से इन्होंने राग ये बजाया, आलाप किया, जैसे इन्होंने कहा गा रे गा प नी गा प रे, तो यहाँ ध्वनि आया सामने, गा पर रे 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 से ध्वनि आ गया। हाँ, और जहां पे इन्होंने ये कहा सा नी द नी रे सा, ये यमन आ गया है, यमनी बिलावल, यमनी बिलावल जैसा हो गया है। यानी कि ये जो राग बिलावल है, जो जहां तक मैं समझाऊं कि शुद्ध स्वरों का राग जरूर है, लेकिन इसको इतना बचा के गाना पड़ता है, गाना बजाना, ताकि किसी दूसरे राग की झलक ना आए। और इसमें एकदम से जरा सा भी आपने सुर इधर उधर किया, एकदम से दूसरा राग आ जाएगा इसमें। और राजू जी, मतलब ये इनमें टैलेंट है कि इस तरह से जब ये करते हैं तो तिरोभाव आविर्भाव का पुट हमारे सामने आता है। देखो गॉड गिफ्ट है इनको। बिल्कुल बिल्कुल। और तीरो, मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि तिरोभाव एक वो चीज है जिसे जब हम किसी राग को गाते भी जाते हैं, उस राग में दूसरे राग छाया आती है। हाँ, उस राग को थोड़ी देर के लिए छुपा लेते हैं कुछ समय के लिए। हाँ, तो ये तिरोभाव, लेकिन जब हम उसी मूल राग पे वापस आएंगे, हाँ, तो वो आविर्भाव, वो आविर्भाव। तो ये कला सिर्फ हमारे राजू जी मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए राजू जी कंटिन्यू सर। तो ये मैंने थोड़ा सा, अब ये और भी एक गाना है, ये भी एक बिलावल का एग्जाम नमूना है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे गामा को लेकर, तो और ये और सबसे, हाँ जी जी, ये हमारे संदीदा की, हमारे श्रोता भली भांति इस चीज का आनंद भी ले सकें। और सबसे सर, आप भी कुछ बोले। हाँ जी, और सबसे बहुत ही सबसे चैते एग्जांपल, सबसे सभी के दिल में वो एग्जांपल ये है, बिल्कुल। लेकिन इसमें इसमें भी वो चेंज हो गया, चेंज हो जाता है। जब वो तीव्र मध्यम लगता है ना, हाँ, माधव माधव पा, इसमें थोड़ा चेंज होता है। हाँ जी जी, ये यमनी बिलावल। हाँ हाँ, तो ये महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है हमारे, तो हमें जैसा कि पता है कि रविंद्र संगीत भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक म्यूजिक की विधा है, हमारे विधा है, उसमें पीजी भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है रविंद्र संगीत में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुमंत जी, आप भी कुछ फरमाए हुजूर। मेरे हिसाब से तो भी बिलावर कैसे जाना चाहिए, सारे हाँ, हाँ। सारे गरे ग प
गपधानी साधा पम गमरे असली चलन यही है, असली तो यही है। हाँ बिल्कुल असली चलन यही बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन कुशल कलाकार कई बार ये भी चीज करते देखे हैं मैंने, मतलब राजू जी की बात नहीं कर रहा मैं, एक तो बाई चांस, एक जब कलाकार जानबूझ के इस तरह का भ्रम श्रोता, इसमें जानबूझ के होगा, हाँ इसमें जो भी तिरोभाव होगा वो जानबूझ के होगा, जानबूझ के होगा, ठीक है ना, तो ये चीज है मेरा ये कहने का भाव। हाँ जी तो चले और कुछ, हाँ जी गुरमीत सर, तो मेरा पक्ष दिया, अब गुप्ता बताए। हाँ जी हाँ जी गुप्ता जी, अच्छा जी जो इन्होंने गीत बजाया था, हेलो हाँ जी मन को, हाँ जी हाँ जी बोले गुप्ता जी। अब देखिए सर वास्तव में तो क्या है कि जो कलाकार इस तरह का करते हैं तो वो तो अपन ये है कि भाई अब बहुत बड़ा नाम जिसका होता है उससे आप कुछ नहीं कह सकते, हाँ ये तो है, लेकिन जो शास्त्रीय पक्ष है राग का, सुमन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह से प्रभाव नहीं हो सकता। हाँ वो तो है, एक मिनट थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसके पीछे प्लीज शोर आ रहा है ना, जो भी सज्जन पुरुष जिनके पीछे भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज अपने आप को वो म्यूट कर ले ताकि बाकियों को डिस्टर्बेंस ना हो, तो गुप्ता जी आप कंटिन्यू रखिए। हाँ जी तो ये है कि इसमें हमें मतलब शुद्धता तो बनाए रखनी पड़ेगी। अब आजकल होने क्या लगा है कि किसी भी राग में लोग उसको मिला लेते हैं, उसको मिश्र कर लेते हैं, तो अरे सर मैंने तो राग का फिर स्वरूप क्या रह जाएगा। हाँ मैंने तो यहाँ एक तो होती है ना, नहीं क्योंकि देखिए खिचड़ी, हाँ एक तो होती है खिचड़ी, खिचड़ी एक होती है बेढंगी खिचड़ी, हाँ बस वो बात। इसमें बिलावल में क्या है, नहीं बिलावल में क्या है कि ये बड़ा नाजुक राग है, इसमें बिलावल के और कई प्रकार हैं, तो एकदम से अब बिलावल को बनाए रखना ये आसान नहीं है। अरे तो इसलिए इसके शास्त्रीय पक्षों में बनाए तो रखना पड़ेगा। बिलावल गाते समय उसी को बिलावल बोलते रहते हैं, उसी को बिलावल बोल देते हैं, जबकि वो अलैया बिलावल है। हाँ वास्तव में उसको बिलावल ही उसी को बोलते हैं लोग। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग यानी बहुत आजकल के जो टीचर है उनको सही राग नहीं पता होता, नहीं है पता, बिल्कुल बिल्कुल। सुमन सर एक बार मैं किसी जजमेंट में गया था और जजमेंट में शायद उन्होंने, अब मेरे को तीन चार साल की बात है, वहां उन्होंने भैरव में शायद कुछ मतलब अनाउंस उन्होंने भैरव में किया था कि हम भैरव में गाएंगे, ठीक है। अच्छा तो अब भैरव में और कलिंगड़ा में हम तो आप तो खैर आप तो हैं ही जानने वाले पुराने टीचर हैं, तो बिल्कुल ही फर्क है। अब वो जो गा रहे थे उसमें जो है वो भैरव की झलक नहीं थी, तो मुझे नंबर काटने पड़ गए। तो फिर वो बाद में उन्होंने पूछा कि सर ये तो हमारा ये राग ठीक था, तो मैंने कहा भाई अगर ठीक था तो राग की तो थ्योरी ये है भैरव में, तो वहां मेंड कहां गई, वहां आंदोलित क्यों नहीं किया आपने फिर। अगर मैं जजमेंट में बैठा हूं मुझे तो बारीकियां देखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तो अब बात ये है कि देखिए जब तक हम गुरु की संगत में नहीं बैठेंगे ना तब तक हमें शास्त्रीय संगीत का जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं मिल सकता, किताबी ज्ञान से शास्त्रीय संगीत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। और आजकल लोगों के पास, और मैं चलो अब नहीं कहूंगा, वो लोगों के पास ज्यादातर किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकल बहुत कम है। नहीं इसमें हो क्या रहा है सर,
नहीं, इसमें हो क्या रहा है कि किसी ने जरा सा थोड़ा सा कुछ सीख लिया, दो चार बंदिशें, वो अपना YouTube चैनल बना करके सिखाना शुरू कर देता है। सही बात, क्या बात है सर। आप आपने भी देखा होगा और कुलदीप सर ने भी देखा होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ होती है, उनका खुद का राग ज्ञान सही नहीं होता और वो मतलब एक तरह से गलत प्रचार इस तरह से राग का हो जाता है। वही वही मैं गुप्ता जी आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। मैं एक बार क्या किया, नहीं एक बात सोरठ, मतलब एक बार एक कोई चैनल YouTube का बाई दी में गलती से मुझे मिल गया, वही वो कंठ साधना करना सिखा रहे हैं सर कि आप साधना कीजिए। अब समस्या क्या हुई कि उन्होंने षड्ज की साधना बताई और जैसे ही खुद ने सा लगाया तो उनका सा ही नहीं लगा। अरे वो गलती से मुझे भी मिला था चैनल, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है सर कि YouTube के लाभ बहुत ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन वहां एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो लोग सीखने वाले हैं उनको ये गलत राह पे भी ले जाता है। और एक चीज बताऊं कि उनका तानपुरा भी नहीं मिला हुआ था। नहीं मिला होगा बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे चैनल है कि उनका कंटेंट यानी सीखने लायक होता ही नहीं। हाँ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अरे सर आप ये छोड़िए, कुछ लोग क्या कहते हैं, अब जैसे वो सुरजीत पात्र की रचनाएं गा दी, मतलब कवियों की रचनाएं गा दी, कहते हैं ये संगीत है, और जो हम लोग सितार वगैरह पे बजाते हैं कहते हैं ये तो इंस्ट्रूमेंटल है, संगीत तो सिर्फ वोकल वाले गाते हैं। अच्छा ये बहुत इतनी गलत भ्रांति है लोगों की है, है, है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल वालों को पिछाड़ने के लिए। देखिए सर, एक सेकंड सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब एक चैनल मैंने देखा था कि सब 10 दिन में फर्राटेदार हार्मोनियम बजाना सीखिए, या तो 30 साल हो गए फिर भी फर्राटेदार नहीं बज रहा। सही बात सर, आप चैनल की बात कर रहे हैं। तो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि मतलब हम तो अभी तक सोच रहे हैं कि एक सारे गामा पदानी सा बज जाए वही बहुत है, और वो फर्राटेदार सिखा रहे हैं 10 दिन में। सुन लीजिए डॉक्टर कुलदीप सर, एक मिनट जरा। मैं ना अपने एक कहावत मशहूर है, नीम हकीम खतराए जान। बिल्कुल हाँ हाँ सर, मैंने ऐसी किताबें देखी हैं, 10 दिन में सितार सीखी है, 5 दिन में वायलिन सीखी है, अब सुमन जी से पूछ के देखो कि वायलिन कितने दिन में आएगा। इसका मतलब 1 महीने में PhD पूरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1 महीने में PhD पूरी और 2 महीने में आप प्रोफेसर हो जाइए। इतने 64 ईयर का हूँ अभी मैं, फिर भी अभी मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं आता। नहीं सर, ये तो अपन लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन जो 10 दिन में हारमोनियम सिखा रहा है तो वो तो फिर क्या कहें उसके बारे में। तो मैं करे वही अच्छा है। मैं देखिए कुंदनलाल सहगल क्या कहते थे कि मैं 1 दिन नहीं रियाज करता तो मुझे पता चल जाता है, 2 दिन रियाज नहीं करता तो लोगों को पता लग जाता है। मैं आज सितार के रियाज को मेरे तकरीबन हफ्ता हो गया, क्योंकि कुछ एक मीटिंग थी कुछ और था, तो मुझे पता है कि मैं कितना पीछे चला गया। नहीं सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा आप लोगों को भाई। हाँ, आप लोग कह रहे हो कि मतलब ऐसे, मतलब क्योंकि देखो मैं तो बता रहा हूँ कि कुछ नहीं हूँ आप लोगों के आगे, मेरे को तो कुछ भी नहीं बजाना आता। कीबोर्ड है मेरे पास लेकिन अभी तक मतलब बढ़िया से मैं बजा नहीं पाता उसको, बहुत कोशिश करता हूँ सर, लेकिन फिर भी ये आपकी जरा नवाजी है, ये आपकी जरा नवाजी है, आपके अंदर जो सीखने की इच्छा है ना, ये वो करवा रही है आपसे, वो कहलवा रही है। जब किसी के अंदर इच्छा होती है तभी वो चीज ये चीजें बोल निकल के आती है, नहीं तो नहीं आती, निकल नहीं आती। बिल्कुल नहीं। संदीप जी आप क्या कहना चाहते थे वो कहिए पहले। हाँ जी, नहीं सर मैं ये कहना चाहता था कि जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे अपने जो कीबोर्ड है, मैंने कई चैनल देखे, कई वीडियोस देखे, वो कहते हैं कि ना आप फटाफट से ऐसे बजाना सीख सकते हो और ये वो हर गाना, हालांकि गाने वाने तो मैं प्ले भी कर लेता हूँ और आपके आशीर्वाद से ट्रैक व्रैक भी अच्छा सा बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो लेकिन बस वो ये परफेक्शन नहीं है बजाने में,
जो कई लोग इतना फास्ट बजाते हैं, पता नहीं वो कैसे बजाते हैं, भगवान जाने वो क्या एडिटिंग करते हैं, क्या करते हैं उनका हारमोनियम सीखना पड़ता है संदीप जी। तो वही तो बात है ना, वही तो आप सिखा नहीं रहे हो, मुझे दिक्कत तो यही है। सिखा नहीं रहे, तुम आओगे तभी सिखाएंगे ना, आओ बिल्कुल सिखाएंगे। लेसन का रियाज करना पड़ता है। देखिए आप हिंदी के शिक्षक हैं, एक कवि ने कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जा से सिल्पर परत निशान। सर मैं ये बिहारी जी का दोहरा नहीं, वही बता रहा हूँ। हाँ, नहीं सर मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे पहले तो जब कीबोर्ड मैंने परचेज किया, लोग कोई कह रहे थे कि ना कि ब्लाइंड जो है कीबोर्ड को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो मैंने ये धारणा तो उनकी गलत कर दी। मेरे को ऑपरेट क्यों नहीं कर पाएंगे, ऑपरेट करेंगे किया, उसके बाद बजाने की भी कोशिश की और काफी हद तक तो आप लोगों का नहीं। इसमें क्या होता है देखिए कि जो आप कीबोर्ड पे जो आपकी फिंगर सेटिंग है वो किस तरह से है, ये इम्पोर्टेंट है। की जमावट सही नहीं है तो भी आप तैयार नहीं बजा पाएंगे। बिल्कुल सर, नहीं फिंगर सेटिंग का सर अब मैंने सीख ली क्योंकि मैं यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो देखे, और पहले मैंने सर आपको मैं जानकारी दूंगी, मैंने भूषण की परीक्षा दी है करीबन जब 8वीं 9वीं में था, तो उसको मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। उसके बाद तो फिर पढ़ाई का जोर रह गया, तो फिर मैंने संगीत छोड़ दिया। लेकिन हाँ जैसी सर्विस लगी फिर संगीत का शौक जो है वापस से मेरा वापस बढ़ा, फिर मैंने कीबोर्ड कोशिश कर। हाँ बिल्कुल, और अब मैं लगातार सर के संपर्क में हूँ, तो मैं कुछ न कुछ हमेशा अपने ग्रुप में प्रस्तुति भेजता हूँ, तो सर बताते हैं कि सही बज रही है कैसे बज रही है। बिल्कुल नहीं, आप इस पे उंगलियां किस तरह से रखते हैं सर, जो कीबोर्ड पे उंगलियां? हाँ उंगलियां सर वैसे ही जैसे वो पहले भाई जैसे अपना नहीं इसमें उंगलियां आप वर्टिकल रखिए, खड़ी उंगली जो नाखून के पास जो पोर होता है ना या वो कीज पर चलना चाहिए। ओके सर, ओके ओके बिल्कुल सर। और थोड़ी लिटाकर के अगर आप उंगलियां रखेंगे, खड़ी भी नहीं और आड़ी भी नहीं, राउंड सर। हाँ बिल्कुल नहीं, वैसे तो मतलब गोला कम का यूज होगा, अच्छे से गोलाई आ जाएगी उसमें, गोलाई आ जाती है उसमें, कैसे फिर जब आप अच्छे से यूज होता है। हाँ जब वर्टिकल उंगली रखेंगे आप तो गोलाई रहेगी वो, आप बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप अपनी हथेली की तरफ उंगलियां मोड़ लें, नहीं नहीं सर वो भी नहीं। नहीं वो कुलदीप जी सर और सुमन जी सर बताते हैं कि मैं कुछ तो ठीक बजाने लगा हूं क्या सर। हाँ नहीं नहीं वो सर कुछ नहीं मतलब, हाँ मतलब काफी मतलब इनके अंदर नॉलेज आ गई है, लेकिन ये है कि ये रियाज थोड़ा यदि नियमित रूप से करे ना तो वो निखार तभी आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। हाँ तो नियमित रूप से रियाज तो आपको करना ही पड़ेगा नियमित। नहीं सर मैं बिल्कुल करता हूँ, लेकिन अभी क्या थोड़ा सा कभी सर्विस का भी कई काम है। विशारद में तीन संगीत विशारद में तीन शब्द मिलते हैं, बिल्कुल सर, आदत हिसाब और जिगर। जिगर सही सर, बिल्कुल ठीक। तो ये तीन शब्द जो आत्मसार कर लेता है बिल्कुल सर, वो संगीत में कभी भी भटकता नहीं है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसने मुझे एक बात याद आ गई, भीमसेन जोशी जी, संदीप जी की बात में एक और जोड़ता हूँ। एक मिनट डॉक्टर कुलदीप जी। हाँ जी एक मिनट जरा सुमन सर जो विचार। हाँ भीमसेन जोशी जी बोले, क्या कह रहे हैं? हाँ भीमसेन जोशी जी की एक बात याद आ गई मुझे, उनका कहना है अगर एक दिन आप प्रैक्टिस नहीं करते तो वो 6 महीने के बराबर की पीछे हो जाए। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस नहीं करते तो वो 1 साल 2 साल के बराबर की, और 3 दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो संगीत छोड़ दीजिए। सर एक सेकंड रुकिए, मीटिंग कटने वाली है। अच्छा सर आप कंटिन्यू रखिए। सुमन सर आप क्या बोल रहे थे अभी? मैंने ये बोला था भीमसेन जोशी जी का कहना है जिनको सही में कलाकार बनना है उनके लिए रोज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर एक दिन आप प्रैक्टिस नहीं करते तो समझिए 6 महीने के बराबर की प्रैक्टिस आपकी नहीं है। 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करते तो समझ चलो 1-2 साल आपने प्रैक्टिस नहीं की उसके बराबर की, और 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करते तो संगीत के बारे में सोचना छोड़ दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहाँ पे मैं एक चीज और भी कहूंगा, संगीत में एक उक्ति कहावत मशहूर है, दिख्या सीख्या परीख्या, आपने सुनी होगी, अवश्य सुनी होगी। दिख्या यानी कि दीक्षा शिक्षा परीक्षा, दिख्या सीख्या परीख्या यानी देखना, उसको देख के सीखना,
और उसको फिर परखना, ठीक है ना, यानी कि वही शिष्य कामयाब है जो पहले उस्ताद को देखता है कि उस्ताद क्या करता है, उसकी संगत में रहता है, उसकी संगत को अपने जीवन में ढालता है और उसके बाद उसको आत्मसात करता है, परखता है, ठीक है। तो ये सब जो है संदीप जी इन चीजों पे पूरे हो रहे हैं संदीप जी, लेकिन बस ये है कि यदि मैं इनको कहता हूँ कि नियमित रूप से रियाज कीजिए, और संदीप जी आप प्रॉमिस कीजिए नेक्स्ट संडे को आप बिलावल राग पे एक ट्रैक जरूर देंगे हमें, तो कहीं दूर चले गए। नहीं नहीं चलो कोई नहीं सर, ये सुमन सर ये चीजें भी जरूरी है ना, क्योंकि इनके बिना भी गति नहीं है। तो ये क्योंकि विषय से विषय निकलता है, चर्चा परिचर्चा तो ऐसी चीजें हैं, वो बात उसी में से आती है निकल करके। हाँ तो जैसा कि शुद्ध स्वरूप सुमंत जी ने बताया, तो अब बिलावल तो बेसिकली संपूर्ण राग है, लेकिन मैंने जैसे पिछली बार भी एक चीज कही थी, उस टाइम हमारे साथ सुमंत जी नहीं जुड़े थे। सुमंत जी मैं आपको पहली दो एपिसोड्स भेज दूंगा यूट्यूब पे जो अपलोड है, तो उसमें एक मैंने एक चीज कही थी कि पुंडरीक विट्ठल ने अपनी रागमाला में बेलावली राग का जिक्र किया, बेलावली राग में। तो अब मुझे नहीं पता कि उसके स्वर उन्होंने क्या दिए हैं, यदि मुझे कोई ये चीज बताए तो अब मतलब उसके स्वर खोजे जाएं कि बेलावली के स्वर पुंडरीक विट्ठल जी ने क्या दिए हैं, तो मेरा ख्याल हम लोग काफी हमें मदद मिलेगी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तो सही बात है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से कि जैसे बिलावल में हम आरोह में मध्यम वर्ज करते हैं, ठीक है, सारे ग प ध नि सा बराबर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी हाँ। तो मैं ये कहता हूँ ग म प प म ग रे ग म ग म रे सा, ये मैं प ले रहा हूँ, ये सही है कि गलत है सर? ये ना देवगिरी बिलावल बन गया, हम लोग कर रहे हैं शुद्ध बिलावल की चर्चा अभी, मतलब जो बिलावल रागा आश्रय राग। अब ये बिलावल में हो सकता है कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। देखिए बेसिकली शुद्ध बिलावल का क्या स्वरूप है, सारे गा मा गा पा धनी सा सने धनी दा पा मा गा मारे गा पा गा रे गा पा मा गा मारे मारे सा। अशोक जी आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या लगता है, आपके विचार क्या है इस विषय में? देखिए अब वो बात ये है कि कभी कभी ऐसी स्वर संगति ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा करेंगे तब तो देवगिरी आ जाएगा। वो नहीं, वो बराबर है, मेरा कहने का मतलब है म लगता नहीं फिर भी अपन म लगता माँ वैसे तो देखिए सर माँ लगता नहीं, है हाँ देखिए नहीं नहीं वैसे तो बंदिश अलैया बिलावल की, ये अपन ये देखे ये एक बंदिश है, जाग उठे सब जन तुम जागो बिलावल की है ना। हाँ। अब इसमें जो अंतरा है ग्वाल बाल सब गऊ चरावत, तो पानी सा गामा गरे सा इस तरह का नोटेशन है उसमें। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं सर पानी सा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ग्वाल बाल सब इसी तरह जाएगा उसमें, पानी सा 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 सर पानी सा कभी नहीं जाते सर, ग्वाल बाल सब गऊ चरावत इसमें इसी तरह का नोटेशन है, तू ही आधार देखिए तू ही आधार सकल त्रिभुवन को। सर ये चलते चलते लोगों में गलत हो गई होगी जो, क्योंकि ये चीजें लोकमुख यात्रा करके आई हैं। नहीं वो सही है लेकिन इस तरह का मिलता है, नहीं ये गलत है ये गलत है। मैं आपको बताऊं
अब मधुमाथ सारंग में एक बंदिश प्रचलित थी, आई दुल्हन नई नवेली। तो अब लोगों ने क्या कहा कि जी ये तो मेघ है। तो मतलब कई चीजें हमारे सामने लोकमुख यात्रा करके आई, उनके स्वरूप बदल गए। नहीं, अब जैसे एक बंदिश तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तो इसमें भी गापा नी नी सही जाते हैं। हाँ, सही सर, इसमें भी गापा नी नी सही जाते हैं। लेकिन गापा नी नी का हम अशोक जी वो नहीं जरूर लगता है। हाँ हाँ, नहीं वो है, वो है। नहीं, ये हो सकता है कि अब जैसे आप कह रहे हो गा प नी नी सा, गा प ग नी सा, ऐसे होगा, लेकिन लोग धाक को काट दिया। हाँ, ये तो गुप्ता जी देखिए बात, जैसे सुमंत सर भी बोल रहे हैं और डॉक्टर कुलदीप जी भी बोल रहे हैं, हम इसको धा को मिस करते हुए नहीं जा सकते ना, फिर वो देखो प्रॉब्लम आ जाएगा। ये आएगा, नहीं, आता इसी तरह से, इसमें धा 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 मतलब कण 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 लगता था। हाँ, आप धा को छोड़ ही नहीं सकते यार, मेरी बात सुनिए। आप हम लोग कहते हैं कि सारे गा पदा ने सा, लेकिन बेसिकली ये गलत है, क्योंकि माँ का प्रयोग वक्र रूप में है। सारे गा मा गा रे गा पा, वक्र वो होता है कि जिसको हम पहले लगा के फिर उससे पीछे वाले स्वर पे जाके फिर उसको लांग के आगे चले जाते हैं। बार बार कुलदीप जी, अगर बार बार गमा गरेगा पा गमा गरेगा पा करते रहेंगे तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं नहीं, देखिए बार बार नहीं, लेकिन हम मतलब ये है, ये तो वो सर्वनाम वाली बात आ गई कि राम ने राम के पिता से कहा कि राम को पानी चाहिए, है ना। तो ये बेसिक, हाँ, तो ये बेसिकली ये व्याकरणिक चीज है। तो ये तो हम सजाने के लिए कुछ मर्जी कर सकते हैं, लेकिन कुछ मर्जी का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल नहीं, हमको तो गप्पा ही करना है आखिर में, हमको गमा पद तो नहीं करना, गप्पा तो नहीं करना है हमको आखिर में, चाहे करना है लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे ही इसकी जो स्वर मालिका है बिलावल की, सानी सा सानी धानी सा सारे सानी धापा, है ना, इसका हाँ, अंतरा अगर देखें तो एक लाइन आती है सारे गामा पा गामा रेसा, इस तरह से भी जाते हैं इसमें। बिल्कुल, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि गामा पा पा मा गा, अंतरे में इस तरह से भी है, पापा धनी सा सारे गा रेसा, सारे गामा पा गामा रेसा, इस तरह से है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब पर ये कई चीजें हैं जिन पे मतलब थोड़ा काफी गंभीर विचार चाहिए और उनको ठीक करने की भी जरूरत है, उनको करेक्ट करने की, ताकि जो हमारे मतलब आगे के संगीत सीख रहे हम लोग हैं जैसे, तो हम लोग उसको सही आत्मसात कर सकें। अब इसमें चीजें क्या है कि कई लोगों ने अपने घराने की विशेष पहचान बनाने के लिए, देखिए क्या है कि जितने भी विद्वान होंगे तो वो अपनी विद्वत्ता तो उसमें झलकाएंगे ही। तो कोई भी चीज है, कोई भी चीज है तो वो तो रहता ही है। कहने का मतलब है कि विद्वत्ता झलकाना है, इसका मतलब उसको तुम तोड़ फोड़ करो वो ठीक नहीं ना, वो गलत है, वो गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत। अब बिहाग में हम बिहाग तो वैसे बिलावल थाट कर आ गए, फिर भी उसमें तीव्र मल लगाते तीव्र मल लगाने का जो तरीका है वो एकदम वो राग को अलग ले जाता है कहीं, लेकिन वो अच्छा भी लगता है। अच्छा भी, लेकिन सर वो तीव्र मध्यम था विवादी स्वर के नाते। हाँ, विवादी स्वर के नाते। तीव्र को अब तीव्र नहीं, अब तो पा मा पा गा मा गा में तीव्र मध्यम का ही प्रयोग होने लगा है। तीव्र मध्यम एक रेगुलर स्वर कर दिया लोगों ने, और रेगुलर कर दिया, और वो लोग इसको कल्याण थाट का माने लग गए बिलावल को अभी। हाँ, लेकिन बिना तीव्र मध्यम से भी वो बिहाग राग अच्छे से गा सकते। अरे, बहुत अच्छे ढंग से। हम देखिए, आप
आपको कभी सीआर व्यास जी का विहाग सुनने को मिले तो वो सुनिए आप, क्या बात है, उन्होंने कई बंदिशें विशुद्ध रूप से गाई हैं। अच्छा, इसी तरह का विवाद मारू विहाग में भी है। प्रभात्रे का जो मारू विहाग है, कल नहीं आए सांवरे, उसमें तीव्र शुद्ध मध्यम उन्होंने लिया ही नहीं है पूरे उसमें। हाँ सही बात है, सही बात। लेकिन प्रभा अत्रे के जो रिकॉर्ड पर जो एलपी है उस पर मारू विहाग ही लिखा हुआ है। और अच्छा, अगर अपन यूट्यूब पर भी सर्च करें तो मारू विहाग में प्रभा अत्रे का वो ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस जमाने में वो बहुत फेमस था, लेकिन बहुत फेमस और बहुत जोरदार था। एलपी है, एलपी जो थी तनमना तोपे वारू, तोपे वारू, हाँ, एक साइड पे वो और एक साइड पे मारू यार। हाँ, अरे ये मेरे पास एलपी पड़ा है, ये मेरे पास एलपी पड़ा है और ये कल संगीत सरिता में शेयर हो जाएगा। और उसमें वो मेरे ख्याल से वो कौन गली गयो शाम भी है उसमें। हाँ, कौन गली, बिल्कुल, मेरे पास पूरा एलपी पड़ा है सर, डिजिटलाइज रूप में। हाँ, ये कल संगीत सरिता में शेयर कर दूंगा। तो इस तरह की के मतभेद तो लगभग हमें सब जगह मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे यमन गाते गाते लोग कभी कभी शुद्ध मध्यम लगा लेते हैं गामा गामे, लेकिन जबकि यमन कल्याण उसको, हाँ, यमन कल्याण नाम दिया गया फिर। हाँ, लेकिन नहीं, वो कभी कभी यदा कदा यमन में भी हाँ ऐसा कर लेते हैं, वो गलती से हो जाता है। नहीं, यमन एक स्वतंत्र राग है। नहीं है वो तो, हाँ, यमन स्वतंत्र तो राग है वो। आप यमन की बात, वो फिर यमन की चर्चा भी करेंगे। तो इस तरह के मतभेद हैं। हाँ, तो मतलब कुल मिला के हमने आज देखा कि बिलावल राग में जो शुद्ध बिलावल है, हमने इसको बचा के कैसे गाना है, बचा हाँ के कैसे रखना है ना। तो जैसे सारे गापा धानी सा ठीक है कहते हैं, लेकिन ये नहीं कि मध्यम को बिल्कुल छोड़ दें। और जो मध्यम तो आएंगा ही कुलदीप जी, बिल्कुल आएंगा 100% मध्यम का। हाँ, अपना औरों में उसका बहुत अच्छा स्थान है, जो हाँ, बहुत अच्छा औरों में अल्प रहता है या नहीं लगता, वो औरों में सबल हो जाता है। हाँ, प्राबल्य हो जाता है उसका, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से जैसे सॉरी माफ करना, हाँ, मैंने हाँ, आपको नहीं बोलिए। जैसे हमने एपिसोड की शुरुआत की थी और जब हमने इसकी चर्चा शुरू की बिलावल राग की, तो हमने चर्चाएं जो हैं वो शायद मैंने वहाँ पहले एपिसोड में बोला भी था कि जो हमारी चर्चाएं रहेंगी आगे भी, वो जो 10 थाट के 10 राग हैं मुख्य राग, उन पे रहेंगी। हाँ, जिनमें से बिलावल पहला राग है, पहला राग और उसमें जो मैंने स्वरूप रखा बिलावल का, वो जो बेसिक हमारे साथ हैं, क्योंकि जब हमने ये एपिसोड शुरू किया संगीत सरिता ग्रुप में, हमारी चर्चा से ये जूम मीटिंग जो है इसका निर्माण हुआ, कि जो हमारे बिल्कुल शुरुआती लोग हैं जिनको अभी ये मालूम नहीं है कि संगीत क्या है, बिल्कुल, तो वो जब हमारे पास वो लोग भी हैं सीखने वाले, तो उनकी उनको सिखाने की गुरबी जी सर एक, हाँ जी, जैसे कि मैं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं आप लोगों से इसीलिए तो मैं आपकी मीटिंग में शामिल होता हूँ कि मैं चुपचाप सुनते रहता हूँ म्यूट करके अपने आप को। तो नहीं, उनकी, नहीं, नहीं, के उनके उनकी जिज्ञासा को देखते हुए हमने ये चीजें शुरू की है। बाकी ये जो हमारी चर्चाएं हैं ये बीच बीच में आनी चाहिए करके जाएं कि नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल आपका, बिल्कुल, मैंने हाँ, पहले ही प्रॉमिस किया 100%। हाँ, और वायलिन सुनेंगे, और साथ ही जो लोग नए सीख रहे हैं उनके लिए आप कुछ बिलावल में अलंकारों का भी कुछ बताएंगे क्या? ठीक, जरूर, सभी विद्वानों को नमन।
वाह जी, विद्वान मुरारी, तो नहीं मैं मुरारी बोल रहा हूँ। जी 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 मुरारी जी आ गए। हाँ जी, तो गुप्ता जी कहता हूँ जितने भी दोस्त लोग हैं, नमस्कार। सर नहीं, विदा विदा शब्द नहीं कहना, विदाई के अर्थ बड़े टेढ़े हैं। चलिए गुरमीत। हाँ जी, तो हमारी जो चर्चाएं हैं वो बिलावल जो गाया जाता है वो तो देखिए अभी कितनी बड़ी चर्चा हुई है हमारे, बिलावल कैसे गाना चाहिए। वो तो है जो हम जो सीख चुके हैं, मतलब सीख चुके हैं का मतलब तो, ये तो संगीत एक ऐसी चीज है कि सीखते ही रहना पड़ता है। सीख चुके का मतलब मेरा यहाँ ये है जो अभी हम क्लासेस ले रहे हैं बच्चों को सिखा रहे, वो उनके लिए चर्चा बीच में आ जाती है। लेकिन जो हमारी शुरुआत शुरुआती चर्चा थी वो उनके लिए थी जो अभी जिन्होंने सीखना शुरू करना है उनके लिए थी। उसके लिए जो बेसिक बेसिक था राग बिलावल का उसको हमने पहले एपिसोड में लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने दूसरे में भी यही कोशिश की सर, ताकि मतलब जो मैंने अनाप बजाया था ताकि उन लोगों को पता चले कि बेसिकली जो विशुद्धता है बिलावल की वो कहाँ बरकरार है। तो आज हमने थोड़ा चर्चा परिचर्चा में बहुत रहस्य बिलावल के खोले जो लोग गा बजा रहे हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में सुमंत जी ने कहा है, प्रॉमिस किया है, अपनी परफॉर्मेंस भी बताएंगे, साथ में जो नव सीखे जो हम जैसे लोग सीख रहे हैं तो अलंकारों का भी वो बताएंगे जो नए सीख रहे विद्यार्थियों के लिए। तो राजू जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देके यहाँ पे हम सभी को कृतार्थ किया, साथ में आप सभी विद्वानों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आपने इतनी जबरदस्त चर्चा परिचर्चा को जारी रखा और उसमें उसमें एक नए मार्ग बताए। और सबसे बड़ा शुक्रिया संदीप जी का जिन्होंने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय, क्योंकि इनका एक एक सेकंड बहुत कीमती है, तो वो हमारे लिए निकाल के यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके हम लोगों को कृतार्थ किया। तो मैं फिर से आप सभी को इस वायदे के साथ कि हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे तो बहुत शुक्रिया कहता हूँ। सर वो ये है, चरण ने सिर पे हाथ रखना। तो ये है कि देखिए अब स्कूल ओपन हो चुके हैं और डॉक्टर कुलदीप जी पंजाब के हैं, थोड़ा सा इनको पता है कि चंडीगढ़ से जालंधर कितनी दूर है। बिल्कुल 150 किलोमीटर के लगभग। तो कल भी मेरी मीटिंग थी, कल मैं जालंधर गया हुआ था, टीचर हमारे पंजाब का जो पूरा वर्ग है टीचर्स का, और मैं मेरा यूनियन में जो कुछ है सेवादारी का स्थान है वहां पे, मुझे पता तो है। मुझे जाना पड़ता है, तो हो सकता है कि अभी आज शाम को वर्चुअल मीटिंग होगी हमारी, उसके हिसाब से हम ये तय करेंगे कि हमारी मीटिंग 25 को है या 31 को है। अगर तो 25 को होगी फिर तो मेरी उपस्थिति आप हाजिरी लगा लेना, लेकिन मैं फिर नहीं आ पाऊंगा। 10 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद जरूर दे जाना, लेकिन 10 मिनट के लिए आइए जरूर। उस समय इस समय तो मैं जालंधर में होऊंगा सर, 10 बजे मीटिंग शुरू होगी जालंधर में, लेकिन ना बीच में 10 मिनट के लिए निकल, मैं 5 चाहे 2 मिनट निकालूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं जरूर आपको बोल दूंगा कि हाँ मैं यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, बाकी चर्चा में शायद हिस्सा में ना ले पाऊं अगर मीटिंग हुई तो ठीक है सर। ये मेरा कहना था। जी डॉक्टर कुलदीप सर। हाँ जी सर। तो ये मेरा कहना था, मतलब मेरा
मैंने यही बताना था आपको कि अगर मीटिंग हुई तो ये आ सकती है प्रॉब्लम। बाकी आजकल कोशिश तो मैं करता हूं, वहां भी जहां बोलना होता वहां भी मैं यही कहता हूं कि गला मेरा जो है ना वो अब मेरा साथ नहीं दे रहा। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना 10 मिनट के लिए अटेंडेंस लगा दें। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, बहुत सभी को नमस्कार। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, और संदीप जी आपका बहुत तह दिल से बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अति धन्यवाद। हाँ जी सर, थैंक यू कुलदीप सर, आप अपने चरणों में मुझे भी स्थान दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं चरणों में नहीं, हमारे सिर पे है। तो चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू।